प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कानेकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्रज श्री हर्ष के वंशज थे। इनके माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। वे भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर इनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार इनके घर द्वार हत्याने का निश्चय किया। उसने एक कागज बना लिया और जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण को नहीं जानता, या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समय दे दो, नहीं तो ये कागज पर साइन करके घर द्वार मेरे नाम कर दो। जयदेव तो प्रभु के भक्त और प्रेमी थे, उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण अपने हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी में आया ही था, उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया है। भक्त जयदेव वहीं थे, उनके मन में द्वेष हिंसा का लेश मात्र भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे उसी पल वहां दौड़े और लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था, अग्नि वैसे ही शांत हो गई। जैसे जागते ही सपने में भक्त के लिए क्या नहीं हो सकता। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछतावा करते हुए वो जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर कहने लगा, हे महात्मा, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैंने लोभवश थोड़े पैसों के लिए बेईमानी करके तुम्हारा घर छीनना चाहा। आज तुम न होते तो मेरा घर खाक में मिल जाता। धन्य हो आप, आज मैंने भगवान की भक्ति का प्रभाव देखा। उसी दिन से उस निरंजन का हृदय भी शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से भगवान के भजन में समय बिताने लगा। भगवान की इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर श्री हरि की पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव जी चले जा रहे थे। पास में कुछ पैसे तो थे नहीं, मुख में बस श्री हरि का पवित्र नाम ही था। हृदय में हरि की झांकी थी, एकमात्र रास्ते में और कुछ नहीं। जयदेव को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी, वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन अपने भक्त को संकट में पड़ा देख भगवान आखिर कैसे नहीं आएंगे। हरि ने एक गो बालक का रूप धारण कर लिया और जयदेव को कपड़े से हवा करने लगे। उन्होंने जल तथा मधुर दूध जयदेव को पिलाया और रास्ता बताकर बहुत जल्दी पुरी पहुंचा दिया। जयदेव जी समझ गए कि दूर दूर तक ना तो पानी था और ना कोई दूसरा नामो निशान।
भगवान के अलावा ये कोई और नहीं हो सकता। भगवान पुरी में जाकर पहुंचाकर जब अंतर ध्यान हो गए और खोजने पर भी जब कहीं उनका पता ना चला, तब जयदेव जी ने समझ लिया कि ये भगवान ही हैं। वे बहुत पछताए, लेकिन अब क्या हो सकता है। जयदेव जी प्रभु के प्रेम में डूबे सदा श्री कृष्ण का नाम का गुणगान करते रहते। एक दिन प्रेम में अकस्मात उन्होंने देखा, मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल कालिंदी यमुना जी बह रही हैं, और यमुना नदी के तट पर कदंब का एक पेड़ है जहां भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव के मुख से अकस्मात निकल पड़ा वो मधुर गीत गोविंद। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यही जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की स्तुति गाई और थोड़ी देर बाद ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। उन्हें अचानक ध्यान आया कि ये तो वृंदावन नहीं, ये तो समुद्र है और मैं यहाँ पुरी में खड़ा हूँ। लेकिन अभी तो यहाँ यमुना जी थी, श्री हरि थे, कदंब का वृक्ष था, ये सब कहाँ गया। जयदेव ने अनंत जगत में सर्वत्र फैले विश्वरूप परमात्मा को पहचान लिया, उनकी स्तुति की। फिर पराशर नामक अपने साथी को साथ लेकर वे जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगे। आगे की कथा अगले पार्ट में सुनाई जाएगी, तब तक के लिए इस कथा का चिंतन करें और ऐसे ही आचरण अपने आप में ढालने का अभ्यास करें। प्रभु की भक्ति का फल तभी मिलेगा जब आप स्वयं भी ऐसे ही अपनी आदतें बनाएंगे। राधे राधे, कल मिलते हैं।